पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर 12 दिनों में यात्रा करी, 4000 किलोमीटर हम चले। 12 करोड़ यात्रा के पीछे सोच भारत को जोड़ने की, सब धर्मों को, सब जात को, सब स्टेट को एक साथ आने की। लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की, मगर नॉर्थ ईस्ट से महाराष्ट्र यात्रा नहीं की और आपको ईस्ट से वेस्ट भारत छोड़ो यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले भारत छोड़ो ध्यान यात्रा की, क्योंकि हम देश को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो हिंदुस्तान के बाकी स्टेट जितने जरूरी हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो इतिहास है, ये जो भाषाएं हैं, का जो कल्चर है, उसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देश में विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। आरएसएस और बीजेपी कहते हैं कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए, एक भाषा हो, एक लीडर हो, और जो बाकी भाषाएं हैं जैसे आपकी भाषा है, तमिल भाषा है, बाकी प्रदेश है, इन सबको दिल्ली से चलाया जाए। हमारा कहना है कि नहीं, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, असम को यहां असम से चलाया जाएगा। आप जानते हो आपके चीफ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ये बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। और एक और बात सुनिए, ये मत सोचते कि ये आसाम के लिए काम करते हैं। जो भी इनको ऑर्डर दिल्ली से मिलता है, जो भी नरेंद्र मोदी कहता है, एकदम सलूट मार के आपके चीफ मिनिस्टर उसको लागू कर देते हैं। तो इसीलिए हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू की। अब आप पूछोगे मणिपुर में क्यों शुरू की, मैं आपको बताता हूं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्टेट में सिविल वॉर हो रही है। महीनों से वहां पर हिंसा नफरत फैलाई गई है, लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं जा पाए और बता भी नहीं सकते। क्योंकि अगर मणिपुर जाएंगे तो बीजेपी की राजनीति की सच्चाई पूरी देश को दिखता है। मणिपुर को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और किया है, इसीलिए हमने मणिपुर में शुरू किया। उसके बाद नागालैंड गए और अब हम हमारे प्यारे असम में से निकल रहे हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं